आज मैं ये साबित कर दूंगा आपको कि आज हमारा जो विश्व है वो दो तरह के पैंडेमिक से गुजर रहा है, एक जो अमीरों के लिए बना हुआ है और दूसरा जो गरीबों के लिए बना हुआ है। जॉन हॉपकिंस का एक ऐसा रिसर्च, एक ऐसा रिपोर्ट जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या ये वायरस, क्या इस वायरस को पता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब, क्या इस वायरस को ये पता है कि कौन उसे अफोर्ड कर सकता है और कौन नहीं। तो यह रिपोर्ट कुछ ऐसा ही रिपोर्ट है जिसमें गरीबों का पैंडेमिक अलग है और अमीरों का पैंडेमिक अलग है। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं जॉन हॉपकिंस से। तो ये रिसर्च क्या बता रहा है कि जो सीवियरिटी है कोविड-19 का, ये बहुत ही ज़्यादा हाई था। कहाँ पर? तो उन कंट्रीज में जहाँ पर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, जहाँ पर रिच लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर कि जो पर कैपिटा इनकम वाले जो कंट्रीज हैं जिनका कि बहुत ही हाई पर कैपिटा इनकम है, वो कंट्रीज में सबसे ज़्यादा इनका इसके सीवियरिटी को देखा गया, कोविड-19 के सीवियरिटी को देखा गया। तो इसके हिसाब से ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, ऐसा ये पिक्चर दिख रहा है इस डेटा के ग्राफ के हिसाब से कि कोविड जो है वो ज़्यादा अटैक किया उन लोगों को जो अमीर थे और जो गरीब थे उनको अटैक नहीं किया। तो आखिरकार रीज़न क्या हो सकता है कि अमीर लोग ज़्यादा, अमीरों में ज़्यादा ये सीवियरिटी पाई गई और गरीबों में कम?